नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। बागी बलिया के लाल आनंद यादव जी को शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किए जाने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ से बेलथा रोड बलिया प्रथम आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बिलथरा रोड रेलवे स्टेशन से जिला पंचायत अतिथि गृह डाक बंगला में जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पहुंचे और वहां स्वागत सभा का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में सपा युवा नेता शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव आनंद यादव, जो पूर्व में बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब उनका पद बढ़ते हुए शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसका बखूबी से निर्वहन करूंगा और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को समाजवादी पार्टी से जोड़कर उनके हक हुकूम के लिए संघर्ष करूंगा। वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शिक्षक और कर्मचारी की विरोधी है ये भाजपा सरकार। श्री यादव ने कहा कि शिक्षकों को एकजुट समाजवादी पार्टी 2024 में अधिक सांसद जिताकर सदन में भेजेगी। इस कार्यक्रम में बेलथरा रोड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल, सपा नेता मुन्ना यादव, सपा नेता पिंटू सर, गीता देवी, सुनील कुमार, टिंकू, अनूप जायसवाल, सभा को सद्दाम, मालीपुर के ग्राम प्रधान संतोष यादव, अजीत यादव, मशहूर शायर कवि अरशद हिंदुस्तानी, गायक पप्पू पांडे, सपा नेता इरफान अहमद, सपा नेता अमरजीत चौधरी, धर्मेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, राजू यादव, ओम प्रकाश, छात्र नेता रामाश्रय यादव उर्फ फाइटर अफताब अहमद, सपा नेता रुद्र प्रताप यादव, धर्मेंद्र सिंह, उमेश पांडे आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलिया से न्यूज नाइन भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के रेलवे डाक बंगला में, और आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता और समाजवादी पार्टी से बलिया जनपद में कभी जिला अध्यक्ष रहे शिक्षक सभा में, लेकिन अब उनका पद और कद बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें मनोनीत कर दिया है। शिक्षक सभा यूनिट में प्रदेश सचिव के पद पे उन्होंने उनको शिक्षक सभा में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और ये राजधानी लखनऊ से कृषक एक्सप्रेस से चल करके जब प्रथम आगमन बेलथरा रोड पहुंचे तो सुबह से ही चलिए वही स्टार्टिंग कर दीजिए जहाँ से हुआ है। आपको समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और आप प्रथम आगमन पर आज हैं, और कृषक एक्सप्रेस जो राजधानी लखनऊ से चल करके आती है उससे आपका आना हुआ, उसके बाद आपको यहाँ स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा, तो इस पर आप बताएं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा का जिला अध्यक्ष था तो मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी दोनों सीटें वाराणसी खंड की समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। और आज जो प्रदेश और देश में स्थिति है, शिक्षकों पर जुर्म ढाए जा रहे हैं, शिक्षकों की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा किया है कि पुरानी पेंशन समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि हम देंगे, और शिक्षक समाज लामबंद होकर आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगा और भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जिस तरीके से अभी देखा जाए, आप संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक दिखाई दे रहे थे, तो आने वाला जो 24 का जो चुनाव है उस पर आपकी रणनीति क्या होगी? भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार ने जनता को परेशान करने का, जनता को शासन में डालने का काम किया है। चाहे वो महंगाई का सवाल हो, जिन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे और अब तक की सबसे ज़्यादा महंगाई हो गई, हमारे देश पे विदेशी कर्जा बहुत हो गया, बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पे है और नौजवान बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेश में चारों तरफ जरायम पेशा लोगों की हुकूमत जैसा बढ़ गई है, और योगी जी
काम करने की जगह सिर्फ बुलडोजर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाज के अंतिम वर्ग के साथ खड़ा होकर के समाज के हक और हकूक की हमेशा लड़ाई लड़ता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं और जहां भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देख रही है और आने वाले चुनाव में समाजवाद का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार का सरकार उसी के साथ बनेगी जो अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा और पूरा समाजवादी पार्टी और शिक्षक समाज लामबंद होकर समाजवादी पार्टी को जिताने में अपनी भूमिका अदा करेगा। एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जहाँ तक आप बागी बलिया के लाल हैं और बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के आप निवासी भी हैं, अक्सर देखा जाता है चुनाव जब भी आता है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चुनाव आते जाते रहते हैं, नेताओं का काम है पेड़ से लेकर के और खंभों तक वोट पाट देना और हर जगह उन नेताओं का अपना तमाशा चालू कर देना, लेकिन बेलथरा रोड विधानसभा में और लोकसभा सलेमपुर के अंतर्गत जो बेलथरा रोड आता है, अभी एक बहुत जटिल समस्या है, यहाँ के नेताओं को नहीं मालूम होगा जो नेता आज चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं मैदान में, जो कि मिलिया रोड बाईपास से लेकर के सोना डीमा भागेश्वरी का स्थान पड़ता है, जिस क्षेत्र से तमाम आईएएस आईपीएस उस क्षेत्र ने दिया है, वहाँ के तमाम अधिकारी भी हैं देश के अंदर, आज वो सड़क पूरे तरीके से जर्जर है। उस सड़क का जब निर्माण चालू हुआ तो उस सड़क पे मिट्टी थी, गड्ढे थे, उस गड्ढे में तब्दील था, योगी का आदेश था कि उत्तर प्रदेश में कोई सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगे, लेकिन आज ये हालत है कि उस सड़क पे धूल के जगह सीमेंट उड़ रहा है और लोगों को दुश्वारियाँ हो रहा, कितने लोगों का फेफड़ा खराब हो जाएगा, इस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र की उस सड़क है, बहुत जटिल समस्या है। देखिए, भाजपा सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है और सिर्फ जुमला करती है, पूरे बलिया में एक भी सड़क भाजपा की सरकार की आपको मिल जाए कतई नहीं मिलेगी, सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें जो सड़कें बनी वही सड़कें हैं और बाकी सड़कें ये गड्ढा मुक्त करने का जो नारा है वो टोटली खोखला नारा है, बल्कि सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं और गड्ढे में सड़कें हो गई हैं और सड़क के नाम पे, बिजली के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में बेलथरा में एक सब स्टेशन बनाया गया, लेकिन उस सब स्टेशन की बढ़ोतरी या कोई नया सब स्टेशन का निर्माण भाजपा सरकार ने नहीं किया। और जहाँ तक सोनाडी की सड़क है, 5 साल हो गया लगातार रोज बयानबाजी होती है और सांसद बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बनी। बीच में बना था, बीच में वो सड़क बनी थी, अगर उसकी जांच करा दी जाए और जो उसको कराया वो जेल जाएगा। आपको पता है 18 में वो रोड पूरा 17-16 के बाद टूट गई और 2 साल उसका मांग हुआ, उसके लिए बहुत लोग ने धरना किया, अनशन किया, 2 साल के बाद वो सड़क बनी और फिर 1.5 साल में वो रोड टूट गई। पूरा रोड बना था आपको ख्याल होगा और फिर 1.5 साल 2 साल के अंदर वो पूरी रोड टूट गई। अगर उसकी जाँच होती है तो अगला जो भी काम कराएगा उसमें वो फंसेगा, जिम्मेदार होगा। और आज वही हाल है फिर। अभी आप लोग उस सड़क को लेकर क्या करेंगे, अब तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी मिल गई, आपके क्षेत्र की सड़क है। नहीं, अगर वो सड़क ऐसे ही रही तो समाजवादी पार्टी जन आंदोलन को मजबूर होगी और समाजवादी पार्टी उस सड़क के लिए उस क्षेत्र के वासियों के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर जन आंदोलन करके सरकार को मजबूर करेगी उस सड़क को बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आनंद यादव थे जो बातचीत कर रहे थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। अब चलने का वक्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। स्वर्गीय अंचल जी की इस क्रांतिकारी धरती को मैं सलूट करता हूं। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुपालन में समाजवादी शिक्षक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको सचिव नामित किए जाने पर श्री आनंद यादव का बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आइए अपनी छोटी सी गीत के जरिए अपने गुरु जी का इधर आ जाना। मैं स्वागत करना चाहूँगा कि जिसे जनता यहाँ की सब अपनी जान कहते।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।